हाय एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के सी आई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। टैली डॉट ई आर पी 9 में यूज होने वाले वो सारे फुल फॉर्म जो बहुत ही ज़रूरी हैं, उनके बारे में मैं आज कंप्लीट आप लोगों को बताने वाला हूँ। और ये फुल फॉर्म इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये आपको कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और यदि फुल फॉर्म आपको न मालूम होगा तब आप उसकी कंप्लीट उसका यूज़ और उसका मीनिंग आप समझ पाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये वीडियो कम्प्लीटली प्रेजेंटेशन बेस है। इसमें अलग अलग स्लाइड में फुल नेम्स दिए गए हुए हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी एक नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस चैनल पर आपको कंप्लीट टैली का कोर्स मिल रहा है, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके सारे वीडियोस स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। कमेंट से हमें बताएं यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भी आप कमेंट से हमें बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टैली में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है उसको हम आज समझते हैं। तो देखते हैं फुल फॉर्म, चलते हैं हम। आप देखें टैली शब्द जो है, टैली का पूरा नाम क्या है। टैली किसी भी व्यापार में जो एक फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत लेन देन किया जाता है उसमें जो व्यापार गेन करता है, जो लीड करता है व्यापार, उसका एक लिस्टेड ईयर में जो हम सारा काम टैली के माध्यम से कर सकते हैं, इसलिए टैली का पूरा नाम होता है टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर। टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर। टैली को का एक फुल फॉर्म और भी है, देखने को आपको मिलता है बिकॉज हम इसमें सारे ट्रांजेक्शन्स को अलाउ करते हैं। तो टैली का जो दूसरा फुल फॉर्म है ट्रांजेक्शन्स अलाउड इन अ लेनियर लाइन यार्ड। ट्रांजेक्शन्स अलाउड इन अ लेनियर लाइन यार्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं ईआरपी। आप जानते हैं टैली जो है, टैली सॉल्यूशंस जो है, ईआरपी सॉफ्टवेयर का एक फर्म है, इंडस्ट्री है। तो ईआरपी का पूरा नाम होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जिस सर्वर पे काम करता है टैली उसे हम ओडीबीसी बोलते हैं। ओडीबीसी का पूरा नाम होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। इसी सर्वर पे आपका जो DBMS प्रोग्राम होता है जिसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं या RDBMS प्रोग्राम होता है वो भी ODBC सर्वर पर ही काम करता है। तो इसका ODBC का पूरा नाम होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। API होता है API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। जो एप्लीकेशंस प्रोग्राम होते हैं जिस इंटरफेस पे वर्क करते हैं उसको हम बोलते हैं API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। नेक्स्ट डेबिट DR, आप जानते हैं DR मिलता है CR, चूंकि हम जो भी जर्नल इंट्रीज करते हैं उसमें DR CR लिखते हैं तो DR को हम डेबिट कहते हैं तथा CR को हम क्रेडिट कहते हैं। डेबिट मतलब होता है ऋणी और क्रेडिट मतलब होता है धनी। टैली में हम DR को बाई भी कहते हैं और CR को टू कहते हैं। अकाउंट शॉर्ट में A/C लिखा जाता है उसको हम अकाउंट कहते हैं। अकाउंट मतलब होता है खाता। नॉर्मली आप गेटवे ऑफ टैली को शॉर्ट में GOT लिखते हैं तो GOT का पूरा नाम होता है गेटवे ऑफ टैली। P&L लिखा मिलता है आपको तो P&L का पूरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस। COGS, COGS का पूरा नाम होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें बिकॉज आपको नोट्स तैयार करने में आसानी होगी। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं P/E। P/E लिखा होता है इसका मतलब होता है प्राइस ओवर अर्निंग, प्राइस ओवर अर्निंग्स। EPS होता है अर्निंग पर शेयर। EPS का पूरा नाम होता है अर्निंग पर शेयर। PBT होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। PBT का पूरा नाम होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। EBT का पूरा नाम होता है अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स। EBIT होता है जिसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, उसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। अगर कैरेक्टर वाइज हम उसको देखें तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है आपका FCF। FCF का पूरा नाम होता है फ्री कैश फ्लो। आप जानते हैं व्यापार में कैश फ्लो एंड फंड फ्लो होता है तो फ्री कैश फ्लो। बैलेंस CF, आप जब बैलेंस शीट में जाते हैं प्रॉफिट लॉस को चेक करना होता है तो बैलेंस CF क्या होता है, बैलेंस BF क्या होता है, उसका पूरा नॉलेज आपको इसमें देखेंगे आप। बैलेंस CF का पूरा नाम होता है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड।
जो बैलेंस आपको कैरिड फॉरवर्ड होना होता है वो आपका बैलेंस सी एफ शॉर्ट में लिखा जाता है, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। बैलेंस बी एफ का पूरा नाम होता है बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। बैलेंस बी डी का पूरा नाम होता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, तथा बैलेंस सी डी का पूरा नाम होता है बैलेंस कैरिड डाउन। इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस में आपको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट सीओ, तो ग्रॉस प्रॉफिट सीओ का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड ओवर। नेक्स्ट हम देखते हैं ओडी। ग्रुप लिस्ट में आप जाएं तो बैंक ओडी खाता होता है, ओडी का पूरा नाम होता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट की सुविधा इसमें होती है, ऐसे लोन खाता भी कह सकते हैं इसको हम, एसओडी भी लोग बोलते हैं, सेविंग ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। एक खाता होता है ओसीसी, ओवर कैश क्रेडिट, ओवर कैश क्रेडिट। एक है आपका पॉस, पॉस मशीन भी यूज होती है आपके मॉल वगैरह में, आप जाते हो बिलिंग के लिए तो पॉस यूज होता है। और हम किसी भी वाउचर में हम वेलकम्स या थैंक यू मैसेज डालने के लिए, डिस्क्रिप्शन डालने के लिए हम पॉस का यूज करते हैं, इसका पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल। पैन, आप लोग पैन यूज करते होंगे बिकॉज कोई भी टैक्स आप रजिस्टर्ड हैं, आयकर से आपको जो एक कार्ड मिलता है उसको हम बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन मीन्स होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। सिन, एक कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर होता है, सिन का पूरा नाम होता है कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर। जीएसटी से आप लोग परिचित हैं, हमारी कई सारी वीडियोस अवेलेबल हैं उसको आप देख लें अगर आपको जीएसटी में कोई भी प्रॉब्लम है तो। जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सीजीएसटी, गुड्स को सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी में डिवाइड किया गया होता है। सेंट्रल के लिए जो लगता है उसे सीजीएसटी कहते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सीजीएसटी। एसजीएसटी मींस स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यूजीएसटी या यूटीजीएसटी बोलते हैं यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सीजीएसटी और एसजीएसटी का मिश्रित रूप ही आईजीएसटी कहा जाता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगला आपका है जीएसटीन। जीएसटीन का पूरा नाम होता है, जो रजिस्टर्ड है जीएसटी से तो हमारा जो जीएसटीन नंबर होगा हमारे शॉप का, हमारे व्यापार का, उसे हम जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहें आप लोग। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हम देते हैं यूआईएन, जो यूनियन टेरिटरीज होता है उसके लिए है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। टिन, वैट जहां यूज हो रहा है वहां के लिए टिन की जरूरत होती है, जिसे बोलते हैं टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। वैट का पूरा नाम होता है वैल्यू एडेड टैक्स। बहुत सारे ऐसे देश हैं अभी जहां पर केवल वैट यूज होता है, जैसे आपका यूएई है या फिर सऊदी अरबिया है, यहां से आपके वैट यूज होते हैं तो वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। सीएसटी बोलते हैं जब वैट लगता था तो इंटर स्टेट अगर हमें कोई भी लेन देन करना होता था एक स्टेट से दूसरे स्टेट तो सीएसटी चार्ज होता था, जिसे सेंट्रल सेल्स टैक्स कहते हैं। टैन, टैक्स असेसमेंट नंबर बोलते हैं इसे, या फिर जो चूंकि टीडीएस और टीसीएस दोनों में टैन ही यूज होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसको हम बोल सकते हैं टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। टैन को दो तरीके से आप जान सकते हैं, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर या फिर टैक्स असेसमेंट नंबर। टीडीएस का पूरा नाम होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीसीएस का पूरा नाम होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। हमारी सारी वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पे, तो आप जिसको भी टीडीएस टीसीएस इन सब में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। ईपीएफ होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये पेरोल से संबंधित है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ई एस आई को हम बोलते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ई पी एस होता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम या एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम आप कह सकते हैं। एच आर ए, जो अलाउंस यूज होते हैं वैसे बहुत टाइप के अलाउंस यूज किए जाते हैं पेरोल के अंतर्गत, तो हाउस रेंट अलाउंस एच आर ए का पूरा नाम होता है। डी ए होता है जिसको हम डेयरनेस अलाउंस बोलते हैं, जिसे भविष्य निधि कहा जाता है, डी ए डेयरनेस अलाउंस। टी ए होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, टी ए मीन्स ट्रैवलिंग अलाउंस। तो स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। तो ये थे आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स
तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज कंप्यूटर से रिलेटेड हर टाइप की वीडियोस आपको इस पर प्राप्त होंगी। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।